हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम मग इस ऑब्जेक्ट को कलर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने मग इस ऑब्जेक्ट को पेंसिल से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस प्ले बटन के ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम पोस्टर कलर से इस ऑब्जेक्ट को कलर करेंगे। तो इसके लिए मैंने रेड कलर और ब्लैक और व्हाइट कलर लिया है, जिसका शेड बनाकर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साथ में 4 नंबर का राउंड ब्रश और 6 नंबर का फ्लैट ब्रश का यूज़ करके यहाँ पर डिश में हम शेड बनाएंगे और इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 शेड बना के रखे हैं, लाइट, मिडल, डार्क। एक तरफ से लाइट लेंगे, उसके बाद लाइट, मिडल और डार्क कलर। उसी प्रकार अपोजिट साइड में लाइट, मिडल, डार्क कलर को अप्लाई करेंगे और इस मग को कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए मैंने लाइट कलर जो बनाया था उसको अप्लाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद हाईलाइट के लिए उसी कलर में व्हाइट ऐड किया है और साथ में उसको एक दूसरे में मिक्स करके हम आगे का कलरिंग करेंगे। इसके बाद मैं मिडल कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और उसे भी तुरंत लाइट कलर में मिक्स कर लेंगे। दोनों कलर को प्रॉपर मिक्स करने के लिए आप यहाँ पर फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे परफेक्ट वहाँ पर कलर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आगे का डार्क पोर्शन को कलर करने के लिए डार्क शेड भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे भी तुरंत फ्लैट ब्रश से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए पहले डार्क शेड लेंगे, उसे अप्लाई करते करते हम मिडल और लाइट करते जाएंगे। जहाँ पर हमने ऊपर के हिस्से में लाइट दिखाया था वहाँ पर हम डार्क शेड लेंगे, क्योंकि कोई भी गोल ऑब्जेक्ट हो जैसे कि बकेट, मग या डस्टबिन, उसके पोर्शन पर इसी प्रकार से लाइट आता है। इसके बाद मैं और लाइट करने के लिए वाइट ऐड किया है और तुरंत उसे भी मिक्स कर दिया है। उसके बाद नीचे का पोर्शन कलर करेंगे, इसके लिए मिडल कलर से स्टार्ट किया है ताकि कोई भी गोल चीज़ के ऊपर डायरेक्टली डार्क नहीं आता है। जहाँ पर डार्क है वहाँ पर थोड़ा मिडल कलर, उसके बाद डार्क अप्लाई करते करते फिर से मिडल कलर और धीरे धीरे लाइट की तरफ हम कलरिंग करेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी पोर्शन आपका मिस ना हो और प्रॉपर नॉलेज आपको कलरिंग का मिले। मेरे चैनल पर मैंने एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, MSCET एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जैसे कि डिज़ाइन, मेमोरी ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, स्टिल लाइफ। ये सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइट पोर्शन में भी हम मिडल कलर दिखाएंगे और उसे लाइट कलर में मिक्स कर लेंगे ताकि मग यह ऑब्जेक्ट पूरा राउंड लगे और ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट वहाँ पर आए। जिस पोर्शन में हाई डार्क है उसके लिए डार्क रेड में थोड़ा ब्लैक ऐड करेंगे और डार्क शेड बनाकर वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। मग के नीचे के बेस के लिए भी वही डार्क शेड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा शैडो पोर्शन होता है तो वो ज़्यादा हिस्सा डार्क में ही दिखता है। इस पोर्शन में लाइट कलर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मग का जो हैंडल है इसके लिए भी हम 3 शेड यहाँ पे यूज़ करेंगे, डार्क और मिडल और लाइट। काफ़ी स्टूडेंट इस पोर्शन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, एक्चुअल में वो काफ़ी ईजी पोर्शन है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ड्राइंग करेंगे तो आपको कलरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ऊपर का जो कॉर्नर का पोर्शन है उसके लिए हाईलाइट के लिए मैंने वाइट ऐड करके एक शीट बनाया है और उसे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मग के लाइट के लिए और वाइट ऐड करके तुरंत उसे दूसरे रंग में मिक्स करना है। ये हाईलाइट देने का प्रोसेस काफ़ी फास्ट करना होता है ताकि पहला कलर ड्राई ना हो, इसलिए उसको तुरंत दूसरे रंग में मिक्स कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारा बकेट का कलरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम शैडो पोर्शन दिखाएंगे, इसके लिए लाइट ग्रे कलर को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसे भी तुरंत बैकग्राउंड में मिक्स कर लेंगे। शैडो बैकग्राउंड में मिक्स करने के लिए क्लीन वाटर आपके पास होना चाहिए ताकि वो अच्छे से मर्ज हो जाए। शैडो पोर्शन में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डार्क को हमें फैलाना है, बैकग्राउंड में मिक्स कर लेना है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप भी इसे ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।